हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो गाइस, फाइनली एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम है ये ओवर हो चुका है। अगर आप पेपर देकर आए थे तो जरूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एसबीआई पीओ मेंस के साथ में। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, क्वांट और रीजनिंग ये हमेशा की स्ट्रोक रहते हैं, तो पेपर में क्वांट और रीजनिंग कितने कितने क्वेश्चन बनाने लायक थे और आपको कैसा लगा पूरा पेपर देखकर? बहुत ज़्यादा टफ था, क्वेश्चंस कितने ड्यूरेबल थे, आपने कितनी पजल बनाई, क्वांट में आप कितने अटेम्प्ट कर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी लोग जब शेयर करेंगे तो हम एक छोटा सा कंपेरिजन कर पाएंगे कि पेपर कैसा है, ओके। और बाकी मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला हुआ है, आप उस पोल में जरूर हिस्सा लें और पोल से हमें एक आइडिया लगेगा कि ऑल ओवर जो लोग पेपर बनाकर आए हैं वो किस डायरेक्शन में पेपर गया है, ठीक है। तो पोल का तो हम बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन लोगों के भी आगे एग्जाम्स हैं आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लरिकल मेंस, तो वो लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस करें और हाई लेवल मॉक के लिए आप लोग ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं उसको एक बार जरूर बनाकर जाएं, क्योंकि डीआई और पजल्स काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं और आपको नई चीज़ें अपडेटेड वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे इस सेशन में। थैंक यू सो मच, और अपना रिव्यू एग्जाम का जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।